दिल्ली के नागलोई क्षेत्र में लुटेरे में बड़ी लूट का अंजाम दिया गया है, जहां घात लगा बैठे दो लुटेरों ने नागलोई पेट्रोल पंप पर एक चीनी व्यापारी से कैश लूटने की कोशिश की। वहीं जब व्यापारी ने विरोध किया तो उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें दो गोली व्यापारी को लगी और लुटेरे कैश से भरा बैग लेकर दोपहिया वाहन पर मौके पर वारदात से फरार हो गए। और वहीं पुलिस को तुरंत ये इतला दी और जहां घायल को अस्पताल पहुंचाया गया और व्यापारी की हालत गंभीर है, वहीं पुलिस के बड़े अधिकारी वारदात पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी और आसपास के सीसीटीवी की जांच में लगे हुए हैं। और वहीं पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी की डीवीआर पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली है, पर पुलिस के आला अधिकारी मीडिया से बचते नजर आए और कोई अधिकारी बयान नहीं दिए हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार नरूला है और यहाँ अभी वारदात हुई थी, किसी बदमाशों ने टू व्हीलर पे आकर एक व्यापारी को गोली मारी है, एक दो गोली उसकी लगी है, उसकी तबीयत खराब है, उसका काफ़ी कैश था, काफ़ी कैश और लैपटॉप लूट के ले गए हैं और उसकी हालत भी सीरियस है, मतलब काफ़ी तबीयत खराब है उसकी। अच्छा, ये जो बदमाश थे वो किस तरीके से आए थे, लुटेरे थे? कोई पहले से ही उसका पीछा कर रहे थे, उनकी शॉप से पीछा कर रहे थे। उनकी दुकान है, यहाँ चीनी का होलसेल का व्यापार है, जिसकी गोली लगी है, शायद उसका नाम सौरभ गुप्ता, सन ऑफ संजय गुप्ता है। नरूला जी, वो क्या इसी गाड़ी में आए थे जो व्यापारी? नहीं, वो टू व्हीलर व्यापारी तो इधर से पैदल आए थे, अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे, तो अभी गाड़ी के पास जाना ही था कि वो पीछे से टू व्हीलर पे आए और उन्होंने फायर खोल दिया। तो यहाँ बहुत भीड़ थी, तो मैं थोड़ा लेट आया था, तो बहुत भीड़ थी, तो फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस वाले आए, फिर सीनियर ऑफिसर भी आए। अच्छा, वो बाइक पे थे, नकाब पर लगा रखा था उन्होंने? टू व्हीलर पे थे, नकाब भी लगा रखा था, वो क्या होता है, मास्क,